वृंदावन कोतवाली क्षेत्र की चौकी रमन रेती के गांव बहरा में करीब 18 वर्षीय विपिन ठाकुर पुत्र लेखराज सिंह को दो अज्ञात बाइक सवार लोगों ने गोली मार दी, जो कि पेट में लगी और आर पार हो गई, जिससे गांव में अफरा तफरी मच गई, जिसकी सूचना गांव वालों ने पुलिस को दी। तत्काल पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। घायल को मथुरा राष्ट्रीय मार्ग स्थित माहेश्वरी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया, जहां उसकी हालत अब भी चिंताजनक बनी हुई। गांव वालों ने गुपचुप अंदाज में कैमरे से बचते हुए बताया, घर से बाहर जाते वक्त पुरानी रंजिश के चलते ये घटना को अंजाम दिया गया है। घायल के माता पिता राजस्थान गए हुए थे। जब वापस गांव पहुंचे तो सूचना मिली, लड़के को किसी ने गोली मार दी है। लेखराज सिंह के तीन बेटे हैं, जिनमें विपिन सबसे बड़ा है, गांव में खेती करता है। घायल के परिजन इस घटनाक्रम की तहरीर देने वृंदावन कोतवाली पहुंचे हैं, जिसकी लिखित तहरीर दे दी गई है। घटना पे नहीं हो, मैं तो गोवर्धन पे आया। क्या मामला था? पीछे से गोली मारी है। किसने मारी थी? अब किसका नाम बताऊं? जो भी आपका बेटा है, किसने मारी है, किसी का आपको शक है या नहीं है? शक है तो वही चीज तो पूछ रहे हैं क्या आप? किस पे मामला? भाई FIR नहीं हुई। FIR नहीं हुई? कहाँ गए थे आप थाने? कोतवाल का इंस्पेक्टर साहब नहीं आए। कहाँ है? कहीं नहीं है। क्या करें कोतवाल साहब? इलाज कराओ, FIR करो। FIR आपकी ली नहीं ली? ये बताओ। नहीं, हम गई नहीं गए थाने। अच्छा, पूरा मामला बताओ, पूरा मामला क्या है? कहाँ गोली मारी, कब गोली मारी है? मकान वही मारी है, करते बाहर। कहाँ आपका मकान है, कौन सा थाना लगता है आपका, क्या पूरा मामला बताओ। हाँ, वृंदावन। क्या सब कुछ कैसे हुआ है? किसी से रंजित चल रही है? रंजित चल रही है, पुरानी वाली। किसी से चल रही है? घर घर में चल रही, परिवार में। क्या नाम है उनका? परिवार में चल रही खास। पारिवारिक मैटर है? हाँ जी, पारिवारिक मैटर। क्या नाम क्या है? नाम क्या, नाम क्या है? नाम लेखराज है। आपके बेटे का नाम क्या है? विपिन। कितनी उम्र है? मेरी बच्चे की ऐसी 19-20 साल। कितने समय पे कांड हुआ जी? जी भाई 3:30-4 के लगभग। भाई साहब, तो इससे पहले कहीं भर्ती किया था आपने? मैं तो रास्ता में तो मिला हूँ, मैं तो अंत से आया। उससे पहले कहाँ गया था? उससे पहले गए? नहीं दिखाया, ये गोली निकाली है। अच्छा, उनकी पट्टी बंदी हुई है, इससे पहले कौन लेगी क्या? ना, ये पहले नहीं ट्रीटमेंट कराया। अच्छा, कोई परवाह का बता रहे हो क्या? रंजित साहब की चल रही है, उनका क्या नाम है? कौन से रंजित चल रही है आपकी? पूरा मामला बताओ। ऐसा मामला तो चल रही है, हमारे जमीन का मैटर है या कोई जमीन का मैटर ना? अब क्या चाहते हैं आप इसमें? अब देखो, पता पड़ेगी अब क्या करेंगे। अब इसमें आप क्या चाहते हैं? हमें FIR होगी, हम नाम दर्ज। आपने भेज दी? क्या कह रही पुलिस? सर पुलिस कह रही है FIR ही नहीं, वो थाने आ जाओ। थाने आ जाओ? कौन सा थाना लगता? वृंदावन। जी सर, बताएं आपके, आप जो हॉस्पिटल में जो क्या मामला पूरा? जी हाँ, इसकी बरारा में गोली लगी है, घर पे ही था। इसके मुताबिक तो दो लोग आए बाइक पे, उन्होंने गोली मार दी। गोली इसके पेट में लगी है और पेट से बाहर निकल गई है। क्या स्थिति फिलहाल? अभी तो गंभीर हालत ही कहूँगा इसकी, क्योंकि अब बाकी की सारी जांचें हो जाएं तो फिर इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। जहाँ तक ये गोली हाथों से पार हुई है सर, ये कितने बजे का ऑपरेशन करना पड़ेगा? कितने बजे का मामला सर? अब ये तो मुझे पता नहीं, मेरे पास 5:15 आया। आगे का मामला कितने बजे का है और क्या है, ये पुलिस जाने। क्या नाम है सर इसका? आपको एडमिट हुआ है? एडमिट हुआ है, एकदम से सबके नाम नहीं याद रहते ना। नाम क्या भाई? विपिन नाम है। विपिन नाम, जो विपिन के नाम की गोली लगी हुई है, कितनी गंभीर हालत है उसकी? कब तक मतलब कि यहाँ उसकी मतलब कि पोषण मरीज होश में है? मरीज होश में है। हाँ, पहली चीज़ तो आप ये जान लीजिए, मरीज होश में, ऐसा नहीं है कि वो बेहोश है, मरीज होश में है। गोली पेट में लगी है, हालत इसलिए गंभीर कहूँगा क्योंकि गोली आंतों को फाड़ के गई होगी। सर ये है आपके पास करीब 4:45 आए हैं, 5:15 करीब, 5:15 है, दोबारा आपके पास लाए किस? ये अल्ट्रासाउंड के लिए गए थे कराने के लिए, और अनफॉर्चुनेटली आज अल्ट्रासाउंड हो नहीं पाया इनका कहीं पे भी, क्योंकि कोई भी डॉक्टर उपस्थित नहीं थे जो अल्ट्रासाउंड करते हैं। अब इसका सुबह अल्ट्रासाउंड करके तभी आगे के डिस्कशन।